नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी इंट्रूडर के बारे में। सुजुकी इंट्रूडर जो है वो एक क्रूजर कैटेगरी की बाइक है, जो कि आमतौर पे हमने एवेंजर से काफ़ी देखी है। बजाज एवेंजर 180, 220 जो ये बाइक्स हैं, स्ट्रीट 150 जो पहले आती थी, वो सब जो है क्रूजर सेगमेंट्स की बाइक होती हैं। और इस सेगमेंट में इंडिया में ऑप्शंस कम अवेलेबल है। अगर आप रॉयल एनफील्ड को छोड़ दो तो मतलब क्योंकि वो प्रॉपरली उतनी क्रूजर नहीं है, तो एवेंजर ही जो है हाईएस्ट सेलिंग क्रूजर इंडिया में अवेलेबल है। सुजुकी इंट्रूडर जो है वो सुजुकी की कोशिश है, और ओरिजिनल जो ब्रांड इंट्रूडर है वो बना है सुजुकी की 1800 सीसी इंट्रूडर के साथ में, लेकिन ये तो उसका 10% भी नहीं है, यानी कि लगभग 150 सीसी के आसपास ये है, 153. समथिंग सीसी के आसपास है। सेम गिक्सर जो है वही इंजन इसमें यूज़ किया गया है। तो कैसी है इंट्रूडर? मैंने इंट्रूडर को 4-5 दिन चला लिया है और मुझे काफ़ी हद तक पता है इंट्रूडर के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, लोगों के फीडबैक्स भी देख चुका हूँ। आप लोगों से इंस्टाग्राम पर जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे वो क्वेश्चंस जो हैं वो भी इस वीडियो में आंसर कर देते हैं और इंट्रूडर का प्रॉपर रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहली चीज इंट्रूडर के बारे में वो ये कि इंट्रूडर जो है वो दिखती काफ़ी अलग है, मतलब दिखती है गाड़ी। अगर आप कोई कोई भी फर्स्ट टाइम उसे देखेगा तो एक तक देखने की कोशिश करेगा कि आखिर ये है क्या, क्या ये बड़ी पावरफुल बाइक है या कैसी है, और इतनी सब चीज़ें जो है मोस्टली लोगों को अभी इंडिया में पता भी नहीं है इंट्रूडर के बारे में ज़्यादा, तो नो डाउट लोग जो है देखते हैं। हालांकि उसकी आवाज़ ऐसी कुछ नहीं है जो कि अपने आप जो है लोगों की नज़रें उस तरफ कर दे, लेकिन अगर एक बार देखना शुरू करते हैं तो काफ़ी गौर से लोग देखते हैं, तो हेड टर्नर उसे कहा जा सकता है। उसके बाद में मतलब ठीक है, बाइक बड़ी दिखती है, लोगों का कहना है कि इंजन 150 सीसी जो पर्पस है गाड़ी का वो ये सर्व कर रही है थोड़ा थोड़ा के, मतलब ठीक है आपको नॉर्मल क्रूजिंग चलना है उस हिसाब से चल रही है। नो डाउट इंजन बहुत ही कम कैपेसिटी का है, 150 सीसी जिस तरीके से बाइक दिखती है उसके बाद में बहुत कम आपको लगेगा। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ जो है शुरू करते हैं वो पोजीशंस होती है इन गाड़ी में बैठने के हिसाब से। तो पोजीशन जो है वो रिलैक्स्ड है, और मैं भी जो 5'8" का हूँ और जो बड़े हाइट के भी थे उनके लिए रिलैक्स थी, छोटे हाइट के लिए होंगे उनको भी कोई सीट हाइट क्योंकि नीचे है तो पाँव रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और एकदम रिलैक्स पोजिशन है। आप मुझे नहीं पता इस रिलैक्स पोजिशन जो बैठने का तरीका है उस पर आप कितनी देर कंफर्टेबल रह पाएंगे, ये सबका अपना अपना पोस्चर के हिसाब से होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम उस गाड़ी को चलाने में नहीं हुई, लगा हैंडल बार थोड़ा सा क्रैम्ड अंदर की तरफ लग रहा था, लेकिन कोई ऐसी कंप्लेन की जाए वैसी चीज वहां पे नहीं थी। थोड़ा ओपन हो सकता था या फिर एडजस्टेबल हो सकता है या डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, जैसे एवेंजर में एक स्ट्रीट मॉडल आता है जिसमें थोड़ा अलग हैंडल बार होता है और क्रूज में थोड़ा अलग होता है, तो वो ऑप्शन शायद हो सकते थे यहाँ पे। उसके बाद में FI वेरियंट जो है ये मैं चला रहा हूँ, FI वेरियंट जो है वो स्लाइटली बेटर पिकअप दे रहा है ट्रैफिक्स में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब मैंने कार्बोरेटर चलाई थी वो काफी पहले का टाइम था, तो थोड़ा सा बेटर पिकअप जो है FI वेरिएंट यहाँ पे दे रहा है। शायद हाई स्पीड पे मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा था और लो स्पीड पे भी बहुत माइन्यूट फर्क था, लेकिन 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सच में FI वेरिएंट चाहिए या आप कार्बोरेटर पे ही जा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप कार्बोरेटर पे भी रह सकते हैं अगर आपको वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस जो है चेंज अगर आपको नहीं चाहिए। माइलेज जो मैंने अचीव किया वो क्लोज टू 43 के आसपास था शहर की कंडीशन में, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा, कोई प्रॉब्लम मुझे उसमें नहीं लगी। दोनों का सेम ही होगा कार्बोरेटर FI का, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। हाईवे पे अगर आप आराम से चलाते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्लोज टू 48 के आसपास माइलेज आपको हाईवे पे निकाल के दे देगी। और क्रूजिंग स्पीड की बात की जाए हाईवे के हिसाब से तो वैसे तो 110 टच कर जाती है बाइक, लेकिन मेरे ख्याल से 85 के आसपास का जो स्लॉट है वही बेस्ट क्रूजिंग स्पीड होगी। फिफ्थ गियर में 85 अगर आप करते हैं तो अराउंड 7,000 के आसपास RPM रहता है इसका, जो कि परफेक्ट है। हाँ, गाड़ी में किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, तो वो एक फैंटास्टिक चीज़ है। रिफाइनमेंट बहुत जाए, कोई वाइब्रेशन नहीं है, गियर चेंजेस स्मूथ है, गियर चेंजेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहीं से वाइब्स आ रहे हो, जैसे कि RTR में देखने को मिलता है। और इवन गियरबॉक्स भी जो है एवेंजर से बेटर है, बजाज एवेंजर वगैरह का जो गियरबॉक्स है उससे बेटर गियरबॉक्स इसका है। उसके बाद में लुक्स के हिसाब से देखा जाए तो बाइक काफ़ी हैवी लगती है। इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने पूछा था कितने वेट के हिसाब से इसमें पावर ही नहीं होगी, लेकिन बाइक ज़्यादा हैवी भी नहीं है,
150 किलो से कम ही है, आई बिलीव 147 केजी के आसपास होगी, 148 47 केजी के आसपास, तो ज़्यादा हैवी बाइक नहीं है। मेरी प्रॉब्लम बाइक से ये है कि दिखती इतनी बड़ी है तो थोड़ा सा एटलीस्ट 20 BHP के आसपास की पावर या 18 BHP के आसपास की पावर, 200 CC का इंजन आप अगर आपको ऐसे समझाना हो तो लगभग 200-250 CC का इंजन बाइक में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। हाईवे पर जाते ही आपको फील होगा कि हाँ थोड़ी सी पावर और होती तो मज़ा आता, वहाँ ही परेशानी करेगी। बाकी मुझे नहीं लगता शहर वहर में कोई परेशानी है। शहर की बात की जाए तो शहर में ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान है, मतलब आप गियर शिफ्ट भी आपको ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं, टर्न करना भी बड़ा आसान है इसको, मुझे टर्न करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इस बाइक को, क्योंकि व्हील बेस जो है गिक्सर से थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं है व्हील बेस में, तो मुझे टर्न वर्न करने में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम इस बाइक को नहीं हो रही थी, वो एक अच्छी चीज़ थी। सिटी कम्यूट के हिसाब से भी बाइक जो है वो एक अच्छी बाइक है ये। हालांकि अगर आप देखोगे प्राइस को तो आपके पास गिक्सर अवेलेबल है, और अगर आपको गिक्सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यही इंजन ब्रेक वगैरह सब कुछ मिलेंगे उसमें, बस एक लुक जो है और फील जो है बैठने के हिसाब से वो थोड़ा अलग होगा। ब्रेक्स की मैं बात कर रहा था, तो ब्रेक्स जो है इस बाइक पे कुछ कुछ चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई, उनमें से एक चीज़ ब्रेक है, गज़ब की ब्रेकिंग है। रियर में ABS नहीं है लेकिन डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ABS है, और ABS बहुत ही कमाल काम करता है। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मुझे इस बाइक की लगी। कई लोगों ने कहा कि टायर्स बड़े होने चाहिए थे, तो टायर्स जो है वो मेरे ख्याल से सही है, इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ करते तो भी अच्छा नहीं था, और इससे छोटे करते तो बहुत ही साइज़ मैच नहीं करती गाड़ी के जो बल्कीनेस है उसके साथ में। तो टायर्स सही है, ब्रेकिंग भी सही हो रही है, सब कुछ परफेक्ट है इस डिपार्टमेंट में। मेरा कोई कंप्लेंट टायर्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर है तो वहाँ पर कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद में जो अगली चीज़ है वो मुझे पसंद आई, वो आई इसकी हेडलाइट। डिसेंट हेडलाइट है, डिसेंट से थोड़ा बेटर ही कह दूंगा, गुड अच्छी हेडलाइट है। रात में जो है प्रॉपर उसका फोकस गिर रहा था, इवन हाई बीम पे भी जो है वो थोड़ा सा जो एडिशनल बीम आ रही थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो हेडलाइट मुझे अच्छी लगी, कोई कंप्लेन करने लायक इशू नहीं लगा। एकदम अंधेरी रात में भी आपको जो है कोई ऐसी इशू नहीं होगा कि अरे यार हेडलाइट काश थोड़ी और पावरफुल होती, तो वो प्रॉब्लम मुझे हेडलाइट के साथ में नहीं लगी बिल्कुल भी, जो कि एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। शायद इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कोई बाइक की हेडलाइट इतनी अच्छी हो वो मुझे प्रॉपरली अभी याद नहीं आ रही है कि इतना प्रॉपर रिफ्लेक्शन डाल रही थी। AS200 AS150 जो है पल्सर की आती थी, उनकी हेडलाइट फिर भी ठीक लग रही थी मुझे। इसकी हेडलाइट भी जो है काफ़ी अच्छी है, रॉयल एनफील्ड की हेडलाइट काफ़ी अच्छी आती है बाय द वे। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है थोड़ा सा क्रैम्ड लगता है, ऐसा अंदर अंदर घुसा घुसा सा लगता है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक ठाक बता देता है। मेरे ख्याल से जो है उसमें एम्बर लाइट जो है उसकी जगह वाइट लाइट होनी चाहिए थी, थोड़ा बेटर फील देती, और जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती थी, जैसे कि शायद 0 to 60 या एवरेज टाइम या ऐसा कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन कोई अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी है। आपको गियर जो है वो इंडिकेटर है कि कौन से गियर में गाड़ी है, टाइम बता देता है आपको, आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है, आपको 2 ट्रिप्स मिल जाती है, जो कि इनफ चीज़ है मेरे लिए, मेरे हिसाब से इस बाइक में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिज़ाइन अलग होती तो मैच कर सकती थी शायद क्रूजर से, लेकिन सेम गिक्सर वाला यूज़ किया गया है। एक कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि चाबी जो है वो बहुत आगे की तरफ लगती है, तो कहीं कोई मतलब शैतानी करते हुए निकाल के ना ले जाए, तो ठीक है ऐसी छोटी चीज़ें तो कोई बड़ी मायने नहीं रखती, मेरे ख्याल से ठीक ही है वो जगह भी, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। हाँ आप जब उसमें क्रूज़र में जब आप देखते हो कि भाई एक सामने की तरफ प्रॉपर एक विंडशील्ड होनी चाहिए विंड ब्लास्ट रोकने के लिए उस हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रोविज़न है उसको ऐड करने का, तो वो एक क्रूज़र के हिसाब से इसका एक नेगेटिव बन जाता है। ओवरऑल बात करें बाइक के बारे में तो मेरे ख्याल से एक फ्यूल टैंक जो है वो मतलब नेगेटिव्स में जो चीज़ें हैं वो कि फ्यूल टैंक बड़ा हो सकता था, नो डाउट काफ़ी छोटा है, मेरे ख्याल से और बड़ा किया जा सकता था, करना चाहिए था सुजुकी को। उसके बाद में पावर, पावर एटलीस्ट मतलब 20 BHP 18 BHP 19 BHP के आसपास रखनी चाहिए थी। अभी जो है ठीक है हेल्दी पावर टॉप फिगर है, लेकिन थोड़े से और ज़्यादा होने चाहिए थे। एक और चीज़ जो है वो है कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। 1,15,000 ऑन रोड के आसपास, 1,15,000 के आसपास ऑन रोड पड़ रही है बाइक, जो कि बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, खास तौर से आप गिक्सर से कंपेयर करोगे। सिर्फ बाहर की कुछ चीज़ें सीट्स वगैरह अलग ही है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस किए गए हैं। सीट्स से जब मैं बात करूँ तो सीट्स का कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, और इवन छोटे मोटे बम्प्स पे सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा बम्प आएगा और आपको सीधा फील होगा वो, लेकिन
वही चीज़ है, अगर आपको सिर्फ शहर में कम्यूट करना है और आपको ज़रूरी नहीं है कि क्रूज़र टाइप दिखने वाली बाइक हो, आपको शौक नहीं है, तो मेरे ख्याल से गिक्सर एक बेटर ऑप्शन है। सेम इंजन वगैरह चीज़ें मिलती है, सेम चीज़ उसमें आपको मिलती है, तो उस हिसाब से व्हील साइज़ कोई प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, व्हील साइज़ ओके है जो भी इंट्रूडर में दिया गया है सुजुकी की तरफ से। वर्थ है या नहीं है, लोग ये सुनना चाहते हैं कि भाई खरीद लें या नहीं खरीदें। देखो, अगर आपको क्रूजर बाइक चाहिए, एक बार टेस्ट ड्राइव लो, आपको जो फील आता है, अगर आपको फील चाहिए तो ले लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मनी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा महंगी है, लेकिन कोई इतना भी नहीं है कि मतलब आप इतना ज़्यादा लेके आपको परेशानी होगी। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें चाहिए बाइक्स में, और फीचर्स चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह में, तो नो डाउट आपको फिर कोई और बाइक देखनी पड़ेगी, जिसमें क्रूज़र तो मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगी आपको कोई। फिलहाल अच्छी बाइक है इंट्रूडर, लो मेंटेनेंस है, गुड लुक्स है, गुड माइलेज है, और बाकी तो आपका डिसीजन है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गाड़ी फाई पे आप जो है काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह आप देखते रहेंगे। और एक आपको हैक बता देता हूँ, आप गाड़ी फाई पे कोई भी कार से रिलेटेड सर्च करना चाहें तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि होंडा अमेज गाड़ी फाई, या बाइक सर्च करनी है तो सुजुकी इंट्रूडर गाड़ी फाई। इस तरीके से जो है सारे लिंक्स जो है गाड़ी फाई के आ जाएंगे, जो भी इंट्रूडर के बारे में लिखे होंगे, जो भी अमेज के बारे में लिखे होंगे। तो ये थोड़ा छोटा सा हैक है, बाकी वीडियो देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।